भारत रेडी या क्लैपिंग साउंड रोलिंग क्लैप एक्शन। दोस्तों आप सभी ने बाहुबली और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी तो देखी होंगी। अरे इतने जबरदस्त मूवी कौन देखना नहीं चाहेगा। वैसे इन सभी मूवी में अपने सभी अभिनेताओं को बहुत प्यार और सम्मान भी दिया, साथ ही उनके एक्टिंग के भी आप दीवाने हो गए। मगर जितना इनकी एक्टिंग में दम होता है उससे ज्यादा दम हमारे निर्देशक को लगाना पड़ता है किसी भी मूवी को सुपर हिट बनाने में। दोस्तों हमको मूवी में एक्टर की मेहनत तो दिखाई दे जाती है, मगर मूवी बनाने से पहले निर्देशक द्वारा की गई मेहनत हम लोग नहीं समझ पाते। जिस तरह हीरो और हीरोइन के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह मूवी बनाने वाले निर्देशक के जीवन में भी ऐसा ही होता है। मूवी में करोड़ों रुपए लगने के बाद अगर उनके द्वारा निर्देशित मूवी न चली तो इस चीज का डर उनको भी हमेशा सताता रहता है। मगर इन सभी चीजों के बीच हमारे भारत के ही फिल्म जगत की दुनिया में एक ऐसा डायरेक्टर मौजूद है जिसने अपनी मेहनत और सही डायरेक्शन के चलते फिल्म जगत में तहलका मचा दिया, जिनका नाम है SS राजामौली। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और आज हम बात करने वाले SS राजामौली के जीवन से जुड़ी खास बातें। आखिरकार SS राजामौली आज इतने सफल कैसे बन गए, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को SS राजामौली कितने पसंद है हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिए। और नए व्यूवर्स फटाफट मेरे चैनल वर्सटाइल वी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब तो कर दो ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नंबर वन, दोस्तों राजामौली के पिताजी का फिल्मी जगत में होने के बावजूद भी राजामौली जी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। करियर की शुरुआत में राजामौली ने एक निर्देशक के राघवेंद्र राव के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने शांति निवासन नाम के एक टीवी सीरियल में काम किया तथा इसके बाद उन्होंने येलेती चंद्रशेखर और वारा मुल्लापड़ी नाम के सीरियल के लिए काम किया और उनका ये सीरियल काफी हिट हुआ जिसे राजामौली को धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई। नंबर टू, दोस्तों SS राजामौली की वाइफ का नाम रमा नामी है जो कि एक फिल्म पर्सनालिटीज की फैमिली से आती है। वो राजामौली की कजिन MM किरवानी की वाइफ श्रीवल्ली की छोटी बहन है। चूंकि राजामौली फिल्मों में थे और डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे थे इसलिए वो अपनी होने वाली वाइफ को काफी लंबे समय से जानते थे। मगर कहा जाता है साल 2000 में रमा और उनके पहले हस्बैंड ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रमा को अपने बेटे SS कार्तिकेय की कस्टडी मिली थी। इस दौरान राजामौली ने रमा को काफी सपोर्ट किया था, उनकी साइड ली थी। इसके बाद राजामौली और रमा की नजदीकियां और बढ़ गई। साल 2001 में दोनों ने शादी कर ली। खबरों के मुताबिक बताया जाता है राजामौली की पत्नी राजामौली से उम्र में 4 साल बड़ी भी थी। नंबर थ्री, दोस्तों साल 2009 में राजामौली की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मगधीरा। इस फिल्म में रामचरण ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में एक योद्धा के पुनर्जन्म की कहानी को दिखाया गया था। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म को बनाने के लिए राजामौली ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बहुत बड़ा रिस्क लिया। मगर ये मूवी गलती से फ्लॉप हो जाती तो राजामौली का करियर डूब सकता था, मगर उनकी ये मूवी सुपर हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। नंबर फोर, दोस्तों राजामौली ने अपनी लाइफ में कई फिल्में बनाई और अपनी बनाई हुई सफल फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि 2009 में मगधीरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और उसी मूवी के लिए नंदी पुरस्कार। साल 2012 में ईगा फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तथा नंदी पुरस्कार। 2015 में बाहुबली द बिगनिंग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन फिल्म के लिए भी तो इन्हें मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, तथा इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। नंबर 5, दोस्तों एक जानकारी के अनुसार राजामौली की कुल संपत्ति यानी कि टोटल $14 मिलियन बताई जाती है। $14 मिलियन को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये संपत्ति बैठती है 95 करोड़ के आसपास। राजामौली की संपत्ति तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने का काम किया, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों ने इंडिया में तो पैसे कमाई साथ में विदेशों में भी धन की बारिश कर दी। और ये वजह कि राजामौली की कुल इनकम एकदम से बढ़ गई और आज इनकी संपत्ति 1 अरब के आसपास पहुंचने को है। SS राजामौली ने कई सारी लग्जरी घर भी ले रखे हैं जिन्हें इन्होंने भाड़े पर दे रखा है। इस प्रकार इनके इनकम के अन्य कई रास्ते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास बातें राजा मौली के जीवन से जुड़ी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।